इलॉन मस्क ने जब से ट्विटर का अधिग्रहण किया है वो अपने किसी न किसी फैसले के चलते सुर्खियों में रहते हैं। कुछ समय पहले एक वीडियो सामने आई थी जिसके सामने आने के बाद से कहा जा रहा था कि इलॉन मस्क अब लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं। ट्विटर को खरीदने के बाद से मस्क अपने अलग अलग फैसलों को लेकर चर्चा में हैं। वो आए दिन कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे वो सुर्खियों में बने रहते हैं। बता दें कि कुछ समय पहले एक वीडियो सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि इलॉन मस्क एक चिप के जरिए लोगों के दिमाग को कंट्रोल करेंगे। इलॉन मस्क के एक प्रोजेक्ट न्यूरालिंक ने 2021 में एक वीडियो जारी की थी जिसमें एक बंदर के दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गेम खेलता नजर आ रहा था और कहा जा रहा था कि बंदर के दिमाग में चिप डाली गई थी। इलॉन मस्क के इस प्रोजेक्ट पर न्यूरो साइंटिस्ट, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल एडवोकेट से लेकर एक्सपर्ट्स तक की नजर टिकी हुई है। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर ब्रेन मशीन इंटरफेस डेवलपमेंट कंपनी का ये प्लान कहां तक पहुंच गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इलॉन मस्क इस कंपनी के सह संस्थापक हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स मस्क की दो ऐसी कंपनियां हैं जो नए नए प्रोडक्ट्स को जल्द से जल्द लॉन्च करती हैं। लेकिन वही न्यूरालिंक इस चिप को जानवरों के दिमागों में लगाने की कोशिश के अभी शुरुआती चरण में ही पहुंची है। कहा जा रहा है कि ऐसा करने के पीछे कंपनी का मकसद है कि इंसान के दिमाग में इस चिप को लगाकर उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके, दिमाग को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सके। क्या आप जानते हैं कि न्यूरालिंक की शुरुआती टीम में मौजूद मेंबर्स कंपनी का साथ छोड़कर जा चुके हैं। बता दें कि इलॉन मस्क 2020 के अंत तक ह्यूमन ट्रायल शुरू करना चाहते थे लेकिन मस्क फिलहाल अपने तय सीमा से 2 साल पीछे चल रहे हैं। बता दें कि केवल बंदर ही नहीं, कंपनी ने बताया था कि इस चिप को सुअर के दिमाग में भी डाला गया था। मस्क का कहना है कि इंसानी दिमाग और एआई को जोड़ने का प्रयास जारी है। इंसान के दिमाग में चिप लगाने के बाद दिमाग में होने वाली हलचल को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। यही नहीं, कहा जा रहा है कि पार्किंसंस जैसी बीमारी के इलाज में भी ये तकनीक काफी उपयोगी साबित होगी। लेकिन फिलहाल विशेषज्ञों के लिए इन दावों को सच मानना मुश्किल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 Digital।